हेलो एवरीवंस, आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक पाठशाला में। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट सेशन में देख लिया था डिफरेंशिएशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हम लोगों ने चेक देख लिया था और सॉल्व भी कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है कि डिफरेंशिएशन के कुछ और पोर्शन बचे हुए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सारे कॉन्सेप्ट को अब हम डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम चार क्लास में आपका ये डिफरेंशिएशन फर्स्ट, डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट का जो भी पोर्शंस है, मतलब डिफरेंशिएशन आपका ख़त्म हो जाएगा चार क्लास में। ठीक है, फोर क्लासेस आप लोगों के लिए मैक्सिमम है डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और मैं बात करूं फ्रेंड्स, जो हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस सेकेंड जो शुरू होगा वो भी मैक्सिमम हम लोगों का लगेगा, मैक्सिमम क्लासेस बहुत जाएगा तो आठ क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा आपका, वो भी डिफरेंशियल कैलकुलस टू। ठीक है, आठ से दस क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे, तो टेंशन ना लीजिए, आपका टाइम पे कोर्स कंप्लीट होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इतना तो कोर्स कंप्लीट कर ही दूंगा कि 75% आपका, जहां तक मैं पढ़ाऊंगा वहां से 75% क्वेश्चंस बनकर आपके एग्जामिनेशन में आएंगे और आप उसी के अप्रोच से आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो टेंशन ना लीजिए। अब हम क्या करते हैं, आज देखेंगे डिफरेंशिएशन का कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जो टाइप कितने टाइप के डिफरेंशिएशन होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंशिएशन। बेसिक हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था, वो बेसिक क्वेश्चंस थे जिन क्वेश्चंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने की ज़रूरत नहीं है, बट उस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चंस में ट्विस्ट होता है, जो क्वेश्चंस में ट्विस्ट होता है वो अलग से अपना एक टॉपिक है। ठीक है, वो अपना अलग से एक टॉपिक है, आपके बुक्स में भी टॉपिक दिया है, उन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्या नाम है उस टॉपिक का, उस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है, ठीक है, ये क्या कहना क्या चाहता है, मैं यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, पूरा बोर्ड ही ले लिया एक टॉपिक ने। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है और इसको हिंदी में कहेंगे विभिन्न प्रकार के फलनों का आकलन। ठीक है, फंक्शंस, इसको हिंदी में आप कहेंगे विभिन्न प्रकार के फलनों का आकलन। मतलब क्या है दोस्तों, इसका इस टॉपिक का मतलब क्या है। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो उस वेरिएबल के फंक्शन पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वेरिएबल फंक्शंस होते हैं हमारे पास, जैसे कि कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, हमारे पास वेरिएबल दो तरह का होता है, कितने प्रकार के होते हैं, दो, डिपेंडेंस वेरिएबल और इंडिपेंडेंस वेरिएबल। जो हमारा डिपेंडेंस वेरिएबल होता है, जैसे कि वो ऐसे फंक्शंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो ऐसे फंक्शंस पे डिपेंड करता है। कैसे समझाऊँ मैं आपको, मैं बता देता हूँ सिंपल तरीके में। कोई ऐसा फंक्शन होता है, ठीक है, वो उस वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जो वेरिएबल पर डिपेंड नहीं किया जाता, मतलब कोई एक ऐसा फंक्शन दिया रहेगा जिसका फंक्शन कुछ दिया रहेगा, लेकिन वो जो हमारा फंक्शंस होगा, डिपेंडेंट फंक्शंस होगा, उस वाले फंक्शंस पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन जिस फंक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा उसका भी एक फंक्शंस होगा, ठीक है, उसके अंदर भी एक फंक्शंस होंगे। ठीक है, इस तरह से कई फंक्शंस होंगे, जाकर किसी ना किसी ऐसे फंक्शंस का फंक्शंस होगा, तो एक ऐसा फंक्शंस होगा जो किसी ना किसी फंक्शंस पर डिपेंड करेगा।
ठीक है, किसी ना किसी फंक्शंस पर डिपेंड करेगा। तो ऐसे फंक्शंस के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको समझाने के लिए मैं एक तरीका बताता हूं, आपको इस तरह समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शंस दिया हुआ है, एग्जांपल में आप देखिए, एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, एग्जांपल में मैं बताऊँ आपको, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार के फंक्शंस हो, जैसे हमारा फंक्शंस हो वाई इक्वल्स टू दे दे और बोले लॉग साइन 3x प्लस 4, ठीक है, लॉग साइन 3x प्लस 4, ठीक है। तो हमारा अगर यहाँ पे पूछ दे कि हमारा वाई का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, मतलब एक्स के सापेक्ष। अब देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि जो हमारे ये वाई है इस वाले फंक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि ये हमारा किस फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है। क्या समझ में आया, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्रॉस लिख दिया और इसको राइट सिंबल लगाकर मैंने लिख दिया, इस पर डिपेंड कर रहा है एक्स फंक्शन पे, क्योंकि हमें जो अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट हमको जो कैलकुलेट करना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो हमें फाइंड आउट करना है, वो किसका हमें फाइंड आउट करना है, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको मैं बता दूँ, अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये फंक्शंस इस पे डिपेंड करेगा, लॉग साइन पर डिपेंड करेगा, और साइन हमारा 3x प्लस 4 वाले पर डिपेंड करेगा, और ये हमारा जो एक्स है वो किसका फंक्शन है, एक्स क्या फंक्शन है, और हमारा जो ये फंक्शंस है किस पे डिपेंड कर रहा है, इस वाले एक्स वाले वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, लॉग का फंक्शन साइन है, साइन का फंक्शन 3x प्लस 4 है, और 3x प्लस 4 जो हमारा है वो किसका फंक्शंस है, एक्स का फंक्शंस है, यही कहना चाहता हूँ मैं, और यही आपकी एग्जांपल भी बताता है, ठीक है, हो गया। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हो, जैसे आपको मैं बता दूँ, आपके पास इस तरह देते ई पे पावर कॉस एक्स लॉग, ठीक है, कॉस एक्स लॉग, ठीक है, कॉस एक्स नहीं होगा, कॉस लॉग 5x प्लस 4, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो हमारा ई का फंक्शन कॉस है, कॉस का फंक्शन लॉग है, लॉग का फंक्शन 5x प्लस 4 है, और ये हमारा टोटल फंक्शंस किसका है, एक्स का फलन है, यानी एक्स का फंक्शंस है, ठीक है। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट, इस तरह के केसेस हमें देखने को अगर मिलते हैं, ठीक है, इस तरह के केसेस हमें देखने को मिलते हैं, तो उन केसेस को कैसे अप्रोच करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में देखने वाले हैं, ठीक है। इन सारे कॉन्सेप्ट को हम इस सेशन में देखने वाले हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो मैं बता देता हूँ। जैसे क्या है कि फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे, इस वाले कंडीशंस को बोलेंगे फंक्शंस ऑफ फंक्शंस। अगर हमें डिफरेंशियल कोफिशियंट इसका फाइंड आउट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शंस, मतलब फलनों का अवकलन गुणांक, ठीक है, इस तरह हम बोलेंगे। तो आइए समझते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। मैं इसको रफ कर रहा हूँ और उस पॉइंट को लिख रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल होता है ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है, इसमें कुछ करना ही नहीं रहता है आपको। अभी जब हम क्वेश्चंस इसका करेंगे, जब हम इसका क्वेश्चंस करेंगे, तब जाकर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, ठीक है। जब हम इसका क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, तब जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत ईजी है और आपको समझ में आएगी, इसकी गारंटी है, ठीक है।
अब मैं बात करूं फ्रेंड्स आपके साथ किस चीज़ की, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं पूरा रफ नहीं करूंगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस ऑफ, ठीक है, फंक्शंस ऑफ फंक्शंस, फलनों के फलन का अवकलन, ठीक है, फलन के फलनों का अवकलन, इसका हिंदी में क्या होता है, फलन के फलनों का, ठीक है, फलनों के फलन का अवकलन, ओके, देखो भैया अब हम बता रहे हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, हम इसके लिए फ्रेंड्स जैसे कि कोई फंक्शंस एफ है, कोई फंक्शंस, देखिए हम आपको बता रहा हूँ, इसमें यदि एफ हमारा फंक्शंस है, एफ हमारा फंक्शंस है, एफ का फंक्शन टी है, ठीक है, यदि एफ का फलन, एफ हमारा टी का फलन है, मतलब टी का फंक्शंस है, तो अगर हमारा डिफरेंशिएशन यहाँ पर होगा तो वो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के रिस्पेक्ट में होगा, लेकिन हमें यहाँ पे कैसा केस डेवलप करना है अब मैं बताता हूँ, यदि हमारा एफ टी का फलन है, फंक्शंस है, और हमारा टी एक्स का फलन या फंक्शंस है, तो ऐसे केस को कैसे सॉल्व करेंगे, ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एक्स के रिस्पेक्ट में ही पूछे जाएंगे, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में पूछे जाएंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में ही पूछे जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे केस को कैसे सॉल्व करेंगे, आप ऐसे केस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए आप सीधे डी एफ बाई डी एक्स, ठीक है, ठीक है, डी एफ बाई डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे डी एफ अपॉन डी टी, क्योंकि एफ हमारा टी का फलन है और टी हमारा एक्स का है, लेकिन रिलेशन किसके बीच में पूछा गया है, एफ और एक्स के बीच का पूछा गया है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। दूसरा हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, यदि हमारा एफ यू का फंक्शंस है, यू वी का फंक्शंस है, और वी डब्ल्यू का, और डब्ल्यू एक्स का, किसका, डब्ल्यू एक्स का फंक्शंस है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, सीधे डी एफ बाई डी एक्स लिखेंगे और इक्वल्स टू लिखेंगे डी एफ बाई डी यू इंटू डी यू अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन डी डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ठीक है,
इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। हमको पता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, रिलेशन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। समझ में कैसे आएगा? अब देखो, जब हम क्वेश्चंस करने जाएंगे तब हमें चीज़ें समझ में आनी शुरू होंगी। जब हम क्वेश्चंस करने जाएंगे तब जाके हमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जो भी हमारा डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, हम इन फॉर्मूले का कैसे यूज करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। तो आइए, टाइम क्यों गवाएं, जब हम कॉन्सेप्ट सीख ही रहे हैं तो हम इसी के साथ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको मैं करूँगा आपके सामने और आपको सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में एक दो बार पूछे भी गए हैं ऐसे क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना भी है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चंस क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस रूट एक्स साइन रूट एक्स एंड थर्ड आपका 2x प्लस ए का होल स्क्वायर साइन 5x ई पे पावर माइनस 3x साइन स्क्वायर 3x, ठीक है। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? अभी अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा, ठीक है, उन्हें अब हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अपने क्वेश्चंस के साथ, उसे अब हम देखेंगे, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व करें? हम फोर्थ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चंस क्या है? देखो भैया, बहुत ही डेंजरस टाइप का दिख रहा है फोर्थ क्वेश्चंस। बाप रे, ई पे पावर माइनस 3x दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 3x दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत टेंशन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है फ्रेंड्स? हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, मैं थर्ड को सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन लिखा, फोर्थ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू क्या, e पे पावर माइनस 3x साइन स्क्वायर 3x। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। क्या क्लियर हो रही होंगी? यहाँ पे u और v का प्रोडक्ट रूल्स भी यहाँ पे अप्लाई होगा। डिफ्रेंशिएशन का क्या रूल अप्लाई होगा? प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे अपने एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो अभी अभी हम लोगों ने सीखा, उस एक्चुअल कॉन्सेप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वो चीज़ हमको देखना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हमारा देखिए यहाँ पर क्या है कि e का फंक्शन 3x है और ठीक है, और साइन का भी 3x है, ठीक है। और हमें जो डिफरेंशियल कोफिशियंट कैलकुलेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष हमें फाइंड आउट करना है। इट मीन्स dy/dx हमें फाइंड आउट करना है, dy/dx ही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या ये पॉसिबल है डायरेक्ट, ठीक है, नॉर्मल रूल से ये पॉसिबल है? नहीं है। तो नॉर्मल रूल से पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल रूल से तब पॉसिबल होगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे और आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हमें हमारा, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आंसर आ सकता है। ऐसा भी केस आपके अंदर जनरेट हो सकता है तब जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम अप्रोच करेंगे, ये बात कर लेते हैं। y इज इक्वल टू माइनस 3x साइन स्क्वायर 3x दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लेट माना 3x बराबर t, ठीक है, 3x को हमने t मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह हम इस तरह भी लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू
3x लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, dt डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड में, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे dt बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये हमारा 3 हो जाता है। डिफ्रेंशिएशन हम सिखा चुके हैं, डायरेक्टली यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, अगर 3x दिया हुआ है तो अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी बाई डी एक्स और x पे पावर 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा 3 × 1 और x पे पावर 1 माइनस 1 0 हो जाता है, x पे पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, तो 3 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन हमने आपको सिखा दिया है और मैंने बोला था कि आपको जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हैं सारे क्वेश्चंस को आप चट जाओ, ठीक है। इतना हो गया, अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। अब हम सीधे सीधे इसको लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू ई पे पावर माइनस टी हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर टी। अभी हमें कुछ और भी मानना पड़ेगा, अभी हमें कुछ और भी मानना पड़ेगा, लेकिन लेकिन ये कंडीशंस हम बाद में करें तो अच्छा रहेगा, अभी हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अप्लाई कर लेते हैं, पहले हम इसको क्या करते हैं, ई पे पावर माइनस टी को यू मान लेते हैं और साइन स्क्वायर टी को वी मान लेते हैं। अब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, और इसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी और ई पे पावर माइनस टी इंटू साइन स्क्वायर टी और इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। इस तरह हम बैलेंस कर देंगे तो हमारा जो x के रिस्पेक्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था वो हमारा इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, इस साइड में लिख रहा हूँ, दिखाई देगा आपको, दिखाई तो देना ही चाहिए। यहाँ हो गया, मैं इसको एरो करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, U और V वाला रूल्स अप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाता है dy वाई बाई डी एक्स ई पे पावर माइनस बी इंटू, यहाँ पे अगर लिखते हैं तो साइन स्क्वायर टी इंटू डी वाई डी टी ई पे पावर माइनस टी प्लस ई पे पावर माइनस टी और डी बाई डी टी अब साइन स्क्वायर टी। साइन स्क्वायर टी का डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल नहीं है, फिर हम क्या करेंगे बच्चा लोग, अब हम फिर से फिर हम देख रहे हैं कि जो हमारा टी है इस पर डिपेंड नहीं कर पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सीधे सीधे लिखेंगे, अगर आप इसको लिख सकते हो, अब लिखना लेट माना साइन टी बराबर क्या यू, साइन टी क्यू यू मान लोगे और उसी प्रकार ये हमारा हो जाता है यू बराबर साइन टी और फिर हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे डी यू बाई डी टी, तो ये हो जाता है हमारा क्या, यह हमारा जाता है cos t, cos t, cos t हो गया। फिर हम यहाँ पे लाकर अप्लाई करेंगे तो dy by dx हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होता है, sin square t रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और d पे पावर e पे पावर माइनस t को कैलकुलेट करेंगे तो माइनस e पे पावर माइनस 1 बाहर आ जाएगा, e पे पावर माइनस t हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। प्लस e पे पावर माइनस टी को रहने देते हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं d बाई डी यू, ये हमारा u माननी है साइन टी को, तो ये हमारा u स्क्वायर हो जाएगा और बैलेंस करने के लिए हम लिख दिए हैं डी यू बाई डी टी, ठीक है। आइए टोटल हो गया और ये हमारा dt टी बाई डी एक्स है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, dy by dx को अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि
क्योंकि हमें तो वही कैलकुलेट करना है, हमारे पास स्पेस की कमी है। तो यहाँ पे हो जा रहा है हमारा, अगर देखते हैं तो ई पे माइनस ई पे पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ई पे पावर माइनस टी। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यू स्क्वायर का मतलब टू यू हो जाएगा, टू यू प्लस डी यू बाई डी टी को हमने क्या यहाँ पर निकाला था, कॉस टी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस टी, ठीक है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। डी टी बाई डी एक्स हमारा क्या आया था, डी टी बाई डी एक्स हमारा क्या आया था, थ्री आया था, इंटू थ्री, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे। U किसको माने थे, हम साइन टी को माने थे, पहले U को रिप्लेस करते हैं, e पे पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी प्लस e पे पावर माइनस टी, ठीक है। U की जगह पर हम लिख दिए टू साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, आई इंटू थ्री, ठीक है। अब देखिए, अब हम टी को रिप्लेस कर देते हैं, माइनस थ्री एक्स साइन स्क्वायर थ्री एक्स प्लस, अभी काम करता हूँ, सारा ब्रैकेट का दरवाज़ा खोल देता हूँ, इस थ्री पे पावर माइनस थ्री एक्स टू साइन थ्री एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स इंटू थ्री, थ्री दिख रहा है ना, हाँ थ्री दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्या क्या कॉमन आ रहा है, क्या क्या कॉमन आ रहा है, ई पे पावर माइनस थ्री एक्स दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, साइन थ्री एक्स कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जा रहा है, ई पे पावर माइनस थ्री एक्स कॉमन ब्रैकेट में, और थ्री हमारा वो इधर है, तो ये आगे हम लेते आ रहे हैं, थ्री थ्री पे पावर ई पे पावर माइनस थ्री एक्स और साइन थ्री एक्स कॉमन आ गया है, तो अंदर क्या बच रहा है भाई, अंदर हमारा देखिए, अब ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा निगेटिव है, तो निगेटिव को हम इस तरह कर देता हूँ, पॉजिटिव वाले को पहले लेते आ रहा हूँ, तो हमारे पास बच रहा है टू कॉस थ्री एक्स, ठीक है, माइनस साइन थ्री एक्स, ओके, ये हमारा आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स का, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। कितना सिंपल है, इतना डिफ़िकल्ट लग रहा था, इससे बना होना कर दे दिया था कि भैया बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा था, क्या कुछ नहीं है, क्या किए हम, कुछ तो किए नहीं है, बस हम क्या किए, जहाँ जहाँ हमें सेलेक्ट करना था, हमें फॉर्मूला अपना कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना था, वो अप्लाई कर दिए, अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हमने आंसर ला दिया, ठीक है, समझ में आया। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रुका हुआ हूँ, ठीक है, ओके ओके, कहीं मिस्टेक होगा तो आप भी एक अपने से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं भी एक ह्यूमन हूँ और मुझसे भी गलती हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं मिस्टेक नहीं करूँगा, मिस्टेक कर सकता हूँ, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन जो मैं करूँगा अपने तरफ से प्रयास रहता है कि गलती ना हो, लेकिन अगर होता है तो आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप खुद भी कैलकुलेट वगैरह कीजिए, ठीक है, खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ओके। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और मैं करूँगा, दो क्वेश्चंस और कर दे रहा हूँ मैं, अब बाकी एक क्वेश्चंस आप करेंगे, आसान है, बाकी आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं इस पर बेस सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर डालिए, ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनकर आएंगे, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनकर आएंगे, और मैंने बोला ना, मैं जहाँ तक पढ़ा रहा हूँ आपको 75% क्वेश्चंस मिलेंगे,
75% मैक्सिमम होता है आपको नंबर गेन करने के लिए। भैया आपका यहाँ पे दे दिया है 2x प्लस a का होल स्क्वायर और साइन 5x, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये दो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट और सेकेंड, आप क्वेश्चंस करेंगे, अगर आपको लगता है कि आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मुझे पता है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे नहीं कि क्या आंसर है, अगर फिर भी आप बताते हो तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं बताते हो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका डिफिकल्ट वाला क्वेश्चंस कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस a का होल स्क्वायर साइन 5x। फ्रेंड्स इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे यू वी वाला प्रोडक्ट रूल्स लगेंगे, तो यहाँ पे हो गया 2x प्लस a का होल स्क्वायर साइन 5x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट माना क्या 5x इक्वल्स टू टी, इम्प्लॉय टी इक्वल्स टू 5x, डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx, तो हमारा यह आप हो जाएगा 5, ठीक है, 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से t अगर हम केवल x के फॉर्मेट में निकालते हैं, अगर हम यहाँ से केवल x का वैल्यू निकालते हैं तो t बाई 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों आपको पता करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले यहाँ पर y लिखते हैं dy बाई dx, जहाँ जहाँ x है उसको रिप्लेस कर देते हैं, d बाई dt लिखते हैं ब्रैकेट में 2 इंटू टी बाई 5 रखेंगे प्लस a का होल स्क्वायर और साइन t, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यू वी रूल्स अप्लाई करने से पहले हम इसका होल स्क्वायर पूरा कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है, सिंपल करने के लिए। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ लेकिन आपको समझ में आए इसके लिए मैं इसका स्क्वायर रूट तोड़ देंगे पहले, बाद में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 40 स्क्वायर बाई 25 हो गया, प्लस ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 40 बाई 5 ए और ये हो गया साइन टी और ये डी टी बाई डी एक्स ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब ये हमारा यू हो गया और ये हमारा वी हो गया, क्या हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल्स अप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट रूल्स अप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसमें हम प्रोडक्ट रूल्स अप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट में टी बी साइन टी रहने देते हैं ब्रैकेट में डी बाई डी टी ब्रैकेट में बचता है 4t² / 25 प्लस ए स्क्वायर प्लस 480/5 प्लस यहाँ पे हमारा बचता है 40² / 25 प्लस ए स्क्वायर प्लस 480/5 और डी बाई टी टी साइन टी और यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स ऑलरेडी है, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आता है साइन टी अंदर ले जाते हैं तो हमारे पास ये हो जाता है टी स्क्वायर का मतलब 2t हो जाएगा तो 8t/25। डिफ्रेंशिएशन करना मैंने सिखाया है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है।
ये जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, और यहाँ पे टी है तो यहाँ पर 4a/5 हो जाएगा प्लस 4t² / 25 प्लस ए स्क्वायर प्लस 4a/5। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। dt साइन टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस टी हो जाएगा, और dt/dx का वैल्यू क्या आया था, 5 आया था, तो 5 हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे सीधे हम 5 लिख ले रहे हैं। dy/dx = 5। अब हम t की जगह पे सारे वैल्यूज को पुट कर ले रहे हैं, t की जगह पे 5x भरते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये साइन 5x ब्रैकेट में बचता है 8 × 5x/25 प्लस 4a/5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी रहने देते हैं। प्लस यहाँ पे आता है 4 × 5x² / 25 प्लस ए स्क्वायर प्लस, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ दिखाई तो दे रहा है, 4a × 5x/5, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ cos 5x, ठीक है, cos 5x। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है क्या, हमारे पास यहाँ से आ रहा है, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, 5 × 5 कैंसिल आउट, 5 बच गया, यहाँ से 25 हो जा रहा है, ये भी, ये 25 कैंसिल आउट हो जा रहा है, यहाँ से 5 कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कुछ नहीं करेंगे, ये 5 को एंट्री कराते हैं इस साइड में, तो अगर एंट्री कराते हैं तो हमारे पास होता है ये हमारा हो जाता है 5, यहाँ से 5 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचता क्या है, साइन, यहाँ से 5 1/5 कॉमन ले लेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर होता है साइन 5x, ब्रैकेट में बचता है यहाँ से, और यहाँ पे 8x है और ये 4a है, तो हम क्या करते हैं, हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लें तो 4 sin 5x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे हमारा हो जाता है 2x + a, यहाँ पे प्लस, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा वही हो गया 2x + a² हो गया, ठीक है, i × 5 यहाँ पे हो गया, रहने देते हैं, ठीक है, × 5 रहने देते हैं, और यहाँ पे cos 5x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, 2x + a कॉमन आ जा रहा है, तो हम ले रहे हैं 2x + a कॉमन हमारा एक आ गया, तो यहाँ पे बचता है 4 sin 5x + 5 cos 5x, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा dy/dx का। ओके, समझ में आया, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, फिर भी आपको कहीं डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस सेशन में एक क्वेश्चन और बच रहा है, मैं उसे करा दे रहा हूँ और सेशन को रोकेंगे, अगले सेशन में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक क्वेश्चंस मैं कराऊंगा यहाँ से और उस क्वेश्चंस को मैं यहाँ करा दूँ, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, हाँ ले लिया होगा आपने, मैं इसको रफ करके, क्योंकि ये सिंपल है, जल्दी से मैं रफ करूँगा, ठीक है, और सेशन को हम बंद करेंगे। एक क्वेश्चंस बस बताऊँगा, ये आसान क्वेश्चंस हैं और दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, ठीक है, मैं साइन वाला बता रहा हूँ, ठीक है, साइन वाला बता रहा हूँ, यहाँ पे साइन एक्स दिया हुआ है √x, तो हम क्या करेंगे, लेट माना √x = t, आप इसको लिख सकते हो t = x
वन बाई टू लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दोगे तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा और ये हमारा वन बाई टू हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और एक्स पे पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है, साइन रूट एक्स दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई डी बाई डी टी और साइन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ओके, साइन टी का कॉस टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और डी टी बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स का हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स हो जाएगा, वन बाई टू रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो कॉस रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व होगा और आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं तो दोनों देने वाला था आपको सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन मैं करा ही देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं भी डाउट है, कोई किसी भी प्रकार की समस्या है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ आपको डाउट हो रहा है, किस प्रकार की समस्या आ रही है, ठीक है। और आई होप आपको जो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इस कोर्स का बेनिफिट ले सकें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।